हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तस्मा ऑनलाइन एंड शुरू करते मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि तेरे मेरे दरमियान का गाने कल रिलीज नहीं हो रहा है। एंड ये मुझे थोड़ा सा न्यूज़ मिला है कि केसरी जी का जो गाने कल रिलीज होने था वो कल रिलीज़ नहीं हो रहा है। एंड क्यों रिलीज़ नहीं हो रहा है ये हम सुनेंगे केसरी जी से, केसरी जी के क्या बोलते हैं, केसरी जी लाइव हुआ है फेसबुक पे, तो ये लाइव से हम जान सकेंगे क्यों कल तेरे मेरे दरमियान ये गाने क्यों रिलीज़ नहीं हो रहा है। सो चलिए लाइव को देखते हैं एंड क्या बोला है केसरी जी लाइव पे, तो हम लोगों को जानना है। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्या क्या पता क्या बोला है केसरी जी ने। सो गाइस लेट्स प्ले। लोग हमसे प्यार करेला सबके गोड़ चुके गोड़ लगता नहीं, ये है बबुआ के खुश कके जी बेना, तयारा में दोबारा फिर वही बेना। थैंक यू सो मच, आप लोग इतने सारे प्यार और मोहब्बत से केसरिया को भर देते हैं। क्या वॉइस है, मैं क्या बोलूं, एक साथ बाप रे बाप पांच में आप कैसे लेकर जाते हैं। ये आप सबकी मोहब्बत ही तो है जो खेसारी को इतनी बड़ा बनाती है। हाँ, आपका प्यार, आपका दुलार, केसरी जी का पांच गाने अभी ट्रेंडिंग में हैं अपने भाई के ये साथ, सब आप लोगों का प्यार देखकर बड़ा खुशी होती है। एक नॉर्मल परिवार का बेटा, एक दूध बेचने वाला, लिट्टी बेचने वाला आदमी को आप लोगों ने इतना सम्मान और इतना प्यार दे देते हैं कि शायद मैं कभी सोचा भी नहीं था जीवन में कि आप सब मुझे इतना मोहब्बत देंगे। दिल से थैंक यू, लव यू, लव। और क्या कल गाना रिलीज हो रहा है भैया? अरे नहीं बाबू, कल गाना रिलीज नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा तो चार पांच दिन पहले से डेट था। गाना ही रिलीज नहीं हो रहा है, कोई नहीं, होता है सब चीजें। और ठीक है ना, और कल एक और गाना रिलीज हो रहा है मेरे बड़े भाई का, ठीक है, और उसमें वो अकेले नहीं, कम से कम हिंदी के चार तीन लोग और हैं। तो मैं ये नहीं कि मैं डर से पीछे भागा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा सा आगे चला गया इसलिए। अच्छा, पवन से कई गाने कल रिलीज हो रहा है तो इसलिए केसरी जी का गाने कल रिलीज नहीं हो रहा। काम कर रहे हैं तो लड़ने का कोई रीजन ही नहीं बनता है किसी चीज के लिए। हाँ, भोजपुरी में बहुत सारे चैनल हैं इसलिए ये ठीक, लड़ने का कोई रीजन नहीं है, छोड़ा तो वो छोड़ दिया तो वहाँ पे चलता है। बट मुझे लगता है कि वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बुजुर्ग हैं और हम बुजुर्गों का सम्मान हमेशा करते हैं, हमारे खून में है। कल दोनों गाना रिलीज होता तो कहीं ना कहीं फैन आपस में लड़ते, यूट्यूबर आपस में लड़ते, और एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, तो मैं उनके लिए छोटा भाई हूँ, उनका उनका हमेशा सम्मान करता हूँ और आजीवन करूंगा मैं। और कल गाना रिलीज हो रहा है और मैं 7 तारीख को रिलीज करूंगा, तो मेरे गाना, क्योंकि मैंने अपने कंपनी से बात की सारी चीजें, 7 तारीख में रिलीज होगा। भैया का आ गया तो मुझे लगा से नहीं, मुझे आगे करना चाहिए क्योंकि वो एक सम्मान है, वो डर नहीं है, वो एक सम्मान है। उनका अपने लेवल का गाना है, मेरा अपने लेवल का गाना है, ये ठीक है, ये डर नहीं, ये सम्मान है। मिलते हैं एक दूसरे से तो हमेशा उनसे मुझे एक बड़े भाई का प्यार मिला है और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं उनसे लड़ूँ। और इसमें समस्या ये होती है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है कि फैंस आपस में लड़ जाते हैं, यूट्यूबर लोग लड़ जाते हैं, अब कोई मतलब हाँ, नहीं ये बनता बुरी बात है। और एक भोजपुरी का बेटा होने के नाते हम दूसरे इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं तो हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, उस परिवार को, उस चेहरे को, कि दुनिया कहे कि हाँ यार ये पवन सिंह है भोजपुरी का है, ये खेसारी लाल यादव है भोजपुरी का है, तो लोग कहें। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, मुझे एक दिन आगे कर लेना चाहिए गाना को, जबकि मेरा 6-7 दिन पहले से डेट रिलीजिंग का डेट मारा था गया था। और हमारी खून में है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और करना चाहिए। मैं अपने भी फैन से बोलता हूँ कि भैया का गाना कल रिलीज हो रहा है तो आप लोग सबको सम्मान करना, और परसों मेरा हो रहा है, उड़ा के रख दो पगले, इतना उड़ाओ मेरे को कि आसमान में उड़ा दो। ओह माय गॉड, दिल से क्या बोल रहे हैं कैसे। मुझे पता है कि वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, और मैं तो अपने गाने में अकेला ही हूँ। भैया के गाने में बहुत सारे लोग, हिंदी के बहुत सारे स्टार हैं, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है और भैया की अपनी फैन फॉलोइंग है, तो उस गाने को भी आप लोग सपोर्ट करिए क्योंकि भोजपुरी बड़ा हो रहा है, वहाँ पे भोजपुरी का एक बेटा बड़ा हो रहा है, तो हमें उस पे विचार करना भाई चाहिए। जीत लिया दी, क्योंकि हमें भोजपुरी को बड़ा करना है, भोजपुरी के बेटा को बड़ा करना है, ये लड़ने वाली बातें नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि हाँ फैंस आपस में लड़ जाएं, उनका गाना ये हुआ तो उनका गाना ये हुआ, ये गया रे तो वो गया रे, नहीं नहीं रे पगले,
आपका भाई बड़ा हो रहा है, आपका भाई बड़ा हो रहा है, आपका बेटा बड़ा हो रहा है, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हाँ, भोजपुरी में तो हम लोग लड़ते ही हैं, भोजपुरी में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंपनियां 75 कंपनियां आए, कोई नहीं, ये नहीं छोड़ा तो वो छोड़ा, वो नहीं छोड़ा तो वो छोड़ा, और ये चीज़ें चलती रहेगी। तो मुझे लगता है कि हम लोग अलग लेवल पे काम किए हैं, तो दोनों भाइयों को थोड़ा ऊपर नीचा करने में क्या जाता है, और मैं छोटा भाई हूँ उनका, उनका प्यारा लाडला हूँ मैं, और प्यारा लाडला हूँ तो मुझे आगे जाने में क्या फर्क पड़ता है। इसमें डरने वाली बात नहीं, नहीं नहीं, डरने वाली तो कभी मैं डरता ही नहीं, क्योंकि मैं अपने भाई का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं सोचा कि सम्मान करता हूँ। और मुझे पता है कि आज मैं उनके गाने का प्रमोशन कर रहा हूँ, क्योंकि वो बड़े भाई हैं, क्योंकि अलग उन्होंने कुछ करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है, क्योंकि ये मेरा विश्वास है कि कल वो भी लाइव आएंगे और लाइव आकर अपने छोटे भाई के गाने के लिए बोलेंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता यार नहीं आएंगे, मुझे लगता है कि पवन भैया जरूर कल लाइव आएंगे और मेरे गाने के बारे में बोलेंगे। वो अपने फैंस से रिक्वेस्ट करेंगे, अपने फैंस को बोलेंगे, अपने यूट्यूबरों को बोलेंगे। मैं भी अपने यूट्यूबरों को बोलता हूँ, मैं अपने फैंस को बोलता हूँ कि आप लोग उस गाने को प्यार दीजिए जो कल रिलीज हो रहा है, और मेरा परसों रिलीज हो रहा है। तो बस मैं चाहता हूँ कि दोनों भाइयों को जी भर के, जितने भोजपुरी समाज के लोग हैं, आप प्यार दीजिए, भर दीजिए। और हमारा ही बड़े भाई नहीं है वो, हमारे ऑडियंस जितनी मुझे प्यार करती है सबके बड़े भाई हैं। आप लोग उनका सम्मान करिए, और कल के गाने जो उनके रिलीज हो रहे हैं खूब प्यार दो, खूब भर दो पगले प्यार से। और परसों मेरा जिस तरह आरा वाले गाने को आप ट्रेंडिंग में लाया आपने, आज तक ऐसे किसी कलाकार के साथ, किसी भाषा के कलाकार के साथ नहीं हुआ कि एक साथ 5 गाने ट्रेंडिंग में हो। वो किस नंबर पे है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन उसकी पोजीशन 5 गाने एक कलाकार प्लेटफॉर्म पे और ट्रेंड कर रहा हो, तो ये सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए गर्व की बात है। जी, आपके अंदर कितनी मोहब्बत खेसारी लाल यादव के प्रति होती है। तो कल भैया का रिलीज गाना हो रहा है, मैं परसों कर रहा हूँ, तो आप दोनों गानों को प्यार दीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उन्होंने भी अलग, हाँ, दोनों गानों को प्लीज प्यार दो, प्यार और दो, परसों और मतलब 7 तारीख, यानी 7 तारीख को मेरा रिलीज हो रहा है, 6 को मेरे बड़े भाई का रिलीज हो रहा है। तो मेरे बड़े भैया को प्यार और मोहब्बत से भर दीजिए, और बड़े भैया भी कल लाइव आएंगे और अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देंगे, बोलेंगे कि मेरे भाई का गाना सुनो, क्योंकि मैं जानता हूँ उस आदमी को। मेरे बड़े भाई हमेशा मुझे प्यार किए हैं और मुझे प्यार करते रहेंगे। लव ही मेरे भैया, लव ही ऑडियंस, और लव ही मेरी जान, मेरी जिंदगी, जो मुझे मोहब्बत करते हैं। और एहे बबुआ के खुश करके जाइए देना, तैयारा में दोबारा फिर वही देना। और एक मुझे शर्म आ रही है, मेरा गाना रिलीज हुआ था कि दहरद उठ ये राजा कमर के भीतरिया भीतरिया। तो नया चैनल है और बड़ा अच्छा प्यार आप लोगों ने दिया है कि काश हम भी होते, कौन सी गाने का नाम लग पड़े फिर कुछ अलग सा ए जहां होता। वो परसों मेरा गाना यानी 7 तारीख को रिलीज हो रहा है। तो आप ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद से भर दीजिए, दोनों भाइयों को ढेर प्यार दीजिए, और कौन भी आ कल प्लीज लाइव आ जाइएगा अपने छोटे भाई के लिए। मैं हक से बोल रहा हूँ, आप बड़े भाई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहें, और अपने ऑडियंस, अपने भोजपुरी समाज को बड़ा करते रहें। अपने भोजपुरी के बेटा होने के नाते हम दोनों भाइयों का दायित्व बनता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए काम करें और भोजपुरी समाज को आगे करें। मा लव यू भैया मेरे, और लव यू हमारी ऑडियंस, भगवान स्वरूपी जनता, मा दिल से लव यू ऑल, थैंक यू। बहुत अच्छे, यानी कि बहुत बढ़िया सा बातें बोले हैं केसरी जी ने। एंड केसरी जी का इतना प्यार जो बोल रहे कि पवन सिंह उसका बड़ा भाई है एंड केसरी जी छोटा भाई है, इसलिए वो केसरी जी तेरे मेरे दरमियान ये गाने 7 तारीख में रिलीज करेगा। एंड कल तो पवन सिंह का गाने आ रहे हैं करेंट, तो जो भी हो प्लीज़ आप सब भोजपुरी का जो भी ऑडियंस है क्या बोलते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया एंड मेरी वीडियो को अभी देख रहे हो, तो प्लीज़ केसरी जी एंड पवन सिंह को दोनों को एक साथ में बहुत सारा प्यार दो एंड सपोर्ट करो एंड दिल से सपोर्ट करो, और झगड़ना मत, ठीक है। पवन सिंह का फैन फॉलोअर एंड केसरी जी का फैन फॉलोअर दोनों मिलकर झगड़ना मत, प्लीज़ प्यार दो ये दोनों को एंड प्यार देकर भोजपुरी इंडस्ट्री को सबसे आगे में ले जाओ, ठीक है। एंड वर्ल्ड वाइड पे भोजपुरी का कोई गाने आए तो वह उस गाने को
प्यार दो एंड ट्रेंडिंग में ला दो, ठीक है। एंड आपने तो सुना है कि कैसे जी बोल रहे कि झगड़ना मत, लड़ो मत, प्यार दो एंड सम्मान करो, दूसरों को सम्मान करोगे तो सम्मान खुद को मिलेगा। एंड बहुत ही बढ़िया सा बात बोला है, सच में मेरे दिल पे केसरी जी का सम्मान और भी बढ़ गया एंड मेरे दिल को छो गया। बहुत ही अच्छा लगा केसरी जी का बातें एंड उसका गाने एंड वो जो भी बोला है, सच में दिमाग को क्या बोलता है, दिमाग फ्रेश हो जाते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत इंस्पिरेशन मिलते हैं। एंड मुझे भी ये बात क्या बोलते हैं, मैं भी ये बात मानती हूँ कि लड़ाई से कुछ नहीं मिलते, सपोर्ट करने से, प्यार देने से प्यार बांटते एंड सम्मान भी मिलते। तो जो भी हो प्लीज़ पवन सिंह का गाने को बहुत सारा प्यार दो कल एंड 7 तारीख में तेरे मेरे दरमियान, ये गानों को भी प्लीज़ प्यार दो और साथ में यार मेरे चैनल को भी प्यार दो, सपोर्ट करो एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो। और हाँ, ये वीडियो को यानी कि केसरी जी का ये जो लाइव वीडियो में आज रिएक्शन दिया हूँ, तो ये वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सब लोग जान सके केसरी जी का बातें एंड केसरी जी का क्या बोलते हैं, केसरी जी का अच्छी अच्छी बात है। सो ये था हमारा आज का रिएक्शन वीडियो, आई थिंक आप सब लोग बहुत एंजॉय किए। सो आज मैं चली जाती हूँ, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। सो तब के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल ऑफ यू।